Speak. Thank you, Honorable Deputy Chairman Sir. मंत्री जी और हम सबको लेकर के तकरीबन 40 लोग सदन में हैं और श्रम और पूंजी का यही फर्क है। पूंजी की चर्चा होती तो सदन खचाखच भरा होता, श्रम की बात हो रही है तो 40 लोग। सर सिर्फ आपको नहीं, हम सब, ये जिंदा दस्तावेज है पूरा का पूरा। सर फैज की एक लाइन से शुरू करता हूं, हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं एक देश नहीं हम पूरी दुनिया मांगेंगे। सर अब नहीं, अब ये सर इसमें सिर्फ ताली बजाना रह गया, अब इसकी ज्यादा इसका भाव नहीं है। अभी बीते दिनों सत्यनारायण जटिया जी से बात हुई थी, डोला सेन है, हम तमाम दलों के अंदर ट्रेड यूनियन आंदोलन के खात्मे कि अगर दास्तान देखनी हो तो देखिए कि हम उचित मजदूरी से चलते चलते न्यूनतम मजदूरी पे आ गए। ये मेरा पहला सबमिशन है माननीय मंत्री जी, बुरा आपको भी लग रहा होगा, बंदिशें हैं आपके पास मैं जानता हूं। माननीय मंत्री महोदय, हमारे देश में असंगठित मजदूरों की संख्या 40 करोड़ से ज्यादा है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि देर से आया हुआ कदम, जिसका मैं थोड़ा स्वागत भी करता हूं, लेकिन मैं पुरजोर स्वागत करता। सर मैं एक छोटी बात कहना चाहता हूं, भाजपा के पास बहुत वक्त है और चूंकि मैं बिल को मजबूत कराने के लिए सलाह दे रहा हूं तो 2-4 मिनट उधर से दे दीजिएगा अगर इच्छा हो तो। सर एनीवे सर, इस कानून में विशेष ध्यान महिलाएं, अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए, मैं एक एक सेक्शन के आधार पर बताऊंगा माननीय मंत्री महोदय। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 1/3 से ज्यादा लोगों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिली है गत वर्षों में, और आपके एडवाइजरी बोर्ड में सब होते हैं, बस श्रमिकों के प्रतिनिधित्व नहीं होते हैं, उनका प्रतिनिधित्व नहीं होता है। न्यूनतम वेतन का उल्लंघन करने वाले को आप हर जाने की बात करते हैं, सर सजा से क्यों मुकर जाते हैं? ये कौन सा डर पूंजी ने पैदा कर दिया हमें कि हम हर जाने की बात करते हैं और इसको आपराधिक मामला बनाने की बात नहीं करते हैं? सर एक मजदूर को जब उसकी उचित मजदूरी नहीं मिलती, आप न्यूनतम कह लें, सर उसके घर में चूल्हा नहीं जलता है, उसके सपने तार तार होते हैं, उसका वजूद बिखर जाता है, लेकिन हाँ हमें क्या फर्क पड़ता है, सर पूंजी चला रही है इस देश को। सर कहा जाता है कि 10 या 10 से ज्यादा लोगों को काम पर है तब मजदूरी कानून उस पर लागू होगा। हम सब जानते हैं इसको कैसे वायलेट किया जाता है, हम सब जानते हैं, छोटे छोटे यूनिट बना करके 6, 5, 4 या कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के आधार पर, या 10,000 रुपया 20,000 रुपया दे दिया और उसके बाद उसको घुमाते रहे झारखंड से लेकर के बिहार, बिहार से उत्तर प्रदेश, बंधुआ मजदूर बन जाता है महोदय। बावजूद इसके कि हमारे पास बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट 1976 से है, लेकिन इसका पूंजी निवेश की बात होती है। सर अपने राज्यों को न्यूनतम वेतन तय करने का अधिकार केंद्र राज्य दोनों को दिया है। मेरा मानना है कि सर पूंजी निवेश के कारण हर राज्य की अंदरूनी मंशा हो गई है कि पूंजी वही चल के जाती है दबे पाव जहां श्रम सस्ता मिल जाए, मुफ्त का मिल जाए तो और बढ़िया, सस्ता मिल जाए तो यह तय कर लेना। सर इस कानून के अध्याय 7 अनुच्छेद 5 में कहा जाता है निरीक्षक और फैसिलिटेटर, आपने एक शब्द उसमें जोड़ा है, और वो जो फैसिलिटेटर साहब हैं वो बिना अनुमति के जांच नहीं कर सकते। सर बिना अनुमति के जांच नहीं करेंगे, अभी तो कमाल की बात हो गई, मैं वायलेटर हूं, पोटेंशियल वायलेटर मुझसे पहले आकर के मिल ले रहे हैं, तो क्या मैं कोई एविडेंस रखूंगा, क्या कोई मैं साक्ष्य और सबूत रखूंगा? माननीय मंत्री महोदय मैं जान रहा हूं आपकी मजबूरियां हैं, ऐसे ही कोई थोड़ी बेवफा होता है। सर लेबर कोड्स हैव बीन टेकन अवे सर, द डेफिनेशन ऑफ जेंडर सर ऑल्सो नीड क्लैरिफिकेशन बिकॉज इट हैज टू स्पेल आउट मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। सर नेशनल, आजकल तो इस देश में चर्चा होती है, सर एक मिनट आज दे दीजिए, हाँ एक देश एक कानून, एक देश एक चुनाव, तो सर एक देश एक उचित मूल्य क्यों नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, क्या रोकता है हमें? और सर आज पर क्लॉज 13 ऑफ द बिल, जहां आप कहते हैं वर्किंग आवर्स 8, सर प्लीज इंसर्ट नॉट एक्सीडिंग 8 आवर्स, क्योंकि सर ये बड़े खतरनाक लोग हैं, अगर आप खुलकर के नहीं लिखोगे ना तो वो बंद कर देंगे। तो मैं समझ रहा हूं, एक तो वो सर, एंड कोड ऑन वेजेस 2009 डज नॉट इंक्लूड एनी मेजर्स टू प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट पर्टिकुलरली
ऑफ एससी एसटी ओबीसी, क्योंकि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में सर एक्सक्लूजन भी होता है। सर आखिरी टिप्पणी, सर मैं आखिरी टिप्पणी ये कहूंगा, मैं जानता हूं श्रम और पूंजी की लड़ाई में श्रम हार रहा है सर, लेकिन ये हमेशा नहीं हारेगा। असल में आंधी को ये गुमान कि बस एक शजर गिरा, उसे क्या पता कितने परिंदों का घर गिरा। शुक्रिया सर, धन्यवाद।